हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पुष्पा डिज़ाइन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम स्लीव्स पर डिज़ाइन कटिंग। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स कट कर लिया है और यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। उससे पहले, आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मार्किंग करते हैं। लंबाई लेंगे हम 3 इंच और नीचे से चौड़ाई लेंगे हम 1.5। और यहाँ पर हम तिरछे में लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। कटिंग हमारा हो गया है, देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से हमारा ये शेप आ गया है वी में। और यहाँ पर मैं पाइपिंग यूज़ करूँगी, तो यहाँ पर मैंने थ्रेड पाइपिंग बना के पहले ही रेडी कर लिया और ये मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके थ्रेड पाइपिंग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे सीधी साइड में। हम ऊपर की तरफ पाइपिंग रखते हुए यहाँ पर हम पाइपिंग के पास पास सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है और एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पलट लेंगे और बीच में से कट कर लेंगे। जहाँ पर हमारा वी शेप है वहाँ से हमें कट करना है ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। तो डबल फोल्ड करते हुए हम पूरे पाइपिंग को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाएंगे, हमारी ये पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। तो देखिए पाइपिंग हमारी रेडी है, अब इसको हम पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये वी शेप बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पर हम अब एक फैब्रिक लेंगे और लंबाई इसकी 16 है और विड्थ में ये 4 इंच में मैंने ये कट किया है। तो सीधी पट्टी हमें लेनी है, बीच में से इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करेंगे और तिरछे में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें तिरछे में कट करना है। और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पे। तो अच्छे से हम सेट करते हुए यहाँ पर हम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। जितनी आपकी डोरी चाहिए उसके हिसाब से आप सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर ये डोरी बनाई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया, अब इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए डोरी हमारी ये रेडी बन गई है। अच्छे से किनारे वगैरह बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही मैं दूसरी साइड से भी डोरी बना के रेडी कर दूंगी। तो दोनों डोरी हमारी ये रेडी है, अब इसको हम स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमें इसको अटैच करना है। पहले यहाँ पर हम कट कर देंगे, फिर जो हमारी स्लीव्स है उसको हम 1/2 इंच मोड़ते हुए उसके ऊपर से हमें लगाना है। तो एकदम किनारे पे हम लगाएंगे 1/2 इंच नीचे से स्लीव्स को मोड़ते हुए उसके ऊपर। और पाइपिंग के पास से हमें पक्का कर लेना है। फिर ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर भी अटैच कर लेंगे।
तो देखिए एक साइड से हमारी ये डोरी लग गई है, उस साइड से भी हम ऐसे ही डोरी लगा लेंगे। और ये डिज़ाइन बहुत ही इजीली ये बन जाती है। और ये डिज़ाइन हम स्लीव्स की डिज़ाइन ब्लाउज़ पर, कुर्तीज़ पर, किसी भी पर ये ऐसी स्लीव्स बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए एकदम किनारे पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर पाइपिंग के पास हम पक्का कर लेंगे। और एक सिलाई हम ऊपर की साइड लगा लेंगे। स्लीव्स हमारा रेडी है, देखिए बहुत ही सुंदर हमारी स्लीव्स बन के रेडी हुई है। और यहाँ पर हमें इसको अभी बांध लेंगे तो ये अच्छे से हमारा बो शेप में बन के रेडी हो जाएगा। और ये स्लीव्स हम कुर्ती पे, ब्लाउज़ पे बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लगता है बनने के बाद। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारी ये स्लीव डिज़ाइन बन के रेडी हुई है। आप ये ब्लाउज़ पे, कुर्ती पे, किसी पर भी बना सकते हैं। और ये एल्बो साइज स्लीव है, बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखती है। और आपको सिलाई के बारे में कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने दोनों स्लीव ऐसे ही रेडी की है। और मेरे चैनल पे आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।